छतरपुर में भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा छतरपुर से जटाशंकर धाम के लिए निकली थी। तभी रास्ते में कांवड़ यात्रा में शामिल एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बुजुर्ग के परिजनों ने एक्सीडेंट से मौत होने का शक जाहिर किया है। भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू की कांवड़ यात्रा में शामिल बुजुर्ग का नाम घासीराम अहिरवार था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घासीराम के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से होने की आशंका है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पापा जी एक्सीडेंट हुआ है कांवड़ यात्रा गुड्डी से, पता नहीं सुबह खबर आई है, सुबह 10 बजे घर से निकले थे और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे खबर आई है, आज सुबह 10 बजे निकले थे, आज सुबह खबर आई है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पे आया तो बोल रहे हैं एक्सपायर हो चुके हैं, नहीं कोई जानकारी नहीं मिली, जो बता रहे हैं ना कहीं एक्सीडेंट में तो कोई थोड़ी बहुत करवा चलो कुछ आती है, कोई किसी भी इंसान वगैरह नहीं एक्सीडेंट का, वैसे उनमें कपड़े लगते हैं, इंसान से थोड़ा ब्लड निकलने के कारण संभावना तो अभी कुछ नहीं कह सकते फिलहाल, क्योंकि पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो डॉक्टर बोलते हैं उसके बाद देखते हैं क्या है, क्योंकि अपन अभी किसी का आरोप भी नहीं दे सकते ऐसा कि नहीं ऐसा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।